इमामत की क्या अहमियत है आलम मुतफ़ी को पेशवा कब बनाएगा अल्लाह ताला ने इंसानों को कौन कौन सी नेमतें देने के बाद एहसान जताया है आइए चलते हैं इन सवालात के जवाब को जानते हैं आज के इस एपिसोड में आउज़बल शैतानजीम बसमीम नाजरन करामक सबी कुरान के इस तफसीर प्रोग्राम में हम आपको एक बार फिर ख़ुश आमदीद कहते हैं आज हम आपके सामने आयत नंबर पाँच और छः की तफसीर को लेकर हाज़िर हुए हैं आइए चलते हैं आयत नंबर पाँच की तफसीर को जानने के लिए सबसे पहले उसकी तिलावत और तरजमे को सुनते हैं किताब بسم الله الرحمن الرحيم ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الورثين اور ہم یہ چاہتے تھے کہ جو لوگ روئے زمین میں کمزور کر دیے گئے ہیں ان پر احسان کریں और उन्हीं को लोगों का पेशवा बनाए और उन्हीं को इस सरज़मीन का मालिक बनाए और उन्हीं को रुए ज़मीन पर पूरी कुदरत अदा करें नाजरीन हमने आयत नंबर पाँच की तलावत और तर्जुमे को सुन लिया चलते इस आयत के नुकात की जानब यहाँ पर मिन्नत का माना अजीम और अहम नेमत है ना कि ज़बानी मिन्नत जो नेमत देने के बाद लोगों को बताई जाती है ताकि उनको जलील किया जाए और ये यकीनी तौर पर एक बुरा काम है इसमें शक नहीं है कि अगर अल्लाह किसी काम के करने का इरादा कर ले तो वो काम यकीनन होकर ही रहेगा और कोई चीज़ इसमें रुकावट नहीं बन सकती क़रना मजीद फरमाता है तो कि तो फरमाए हो जा वन हो जाती है यू तो तमाम नेमतें अल्लाह की जानब से हैं और बंदे उसकी नेमतों के माहूने मिन्नत हैं। मगर अल्लाह ने कुछ नेमतों के लिए मिन्नत का लफ्ज इस्तेमाल किया है जो इस बात की दलील है कि ये नेमतें बहुत अहम हैं, उनमें से चंद मंदरजा हैं। है इस्लाम बे नबुवत, जीम हिदायत दाल, मोमिनों की हुकूमत बहुत सी रिवायतों में इस आयत का मजाक आखिरी जमाने में इमाम जमाना की हकूमत को बताया गया है तफसीर कंजुक मुस्तफीन यानी दबाए गए लोग की हुकूमत की बात कुरान मजीद में मुख्तलफ अल्फाज में बयान हुई है पचपन अल्लाह ने वादा दिया उनको जो तुम में से ईमान लाए और अच्छे काम किए कि जरूर उन्हें जबीन में देगा। बे, मिन लम्मा थुम्मा आयत नंबर तेरह और चौदह और बेशक हमने तुमसे पहली संगतें हलाक फरमा दी जब वो हद से बढ़े

तुम्हें ज़मीन पर बसाएँगे इस आयत में फेलेफ़ू मजहूल है लिहाजा मुस्ाफी से मुराद वो लोग हैं जिनका अपने मुत्फ़ होने में कोई हाथ नहीं है बल्कि मुस्तबिरों ने उन लोगों को मुतअफ़ मनाया है खुदा वंद मताल ने इस आयत में पैगाम भी रखे हैं चलते हैं उन पैगाम को गौर से सुनते हैं एक मुस्तिन की आलमी हुकूमत और तारीख के मजलूमों की हिमायत करना अल्लाह की चाहत और उसका इरादा है नंबर दो ताबत और जालिमों की हुकूमत में कारिंदों को कमजोर बना दिया जाता है नंबर तीन मुस्तबिल का है नंबर चार इमामत भी बेसत की तरह एक खास नियमत है इसी वजह से अल्लाह लोगों पर एहसान जता रहा है नबी की बेसत के बारे में फरमायांबर एक सौ चौसठ और यहाँ पर फरमाया नाज़रीन चलते इस एपिसोड की दूसरी आयत यानी आयत नंबर छः की, की तफसर को जानने के लिए उसकी तलावत और तर्जुमे को सुनते हैं ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون اور فرعون و اور ان دونوں کے لشکروں کو انہی کمزوروں کے ہاتھ سے وہ چیز دکھائیں گے جس سے یہ لوگ डरते थे नाजरीन पर आलम ने अपने बंदगान के लिए इस आयत में कुछ पैगाम भी रखे हैं चलिए उन पैगाम को सुन लेते हैं नंबर एक मुस्तफीन को मायूस होने की जरूरत नहीं है अल्लाह उन्हें भी कुदरत देगा नंबर दो अगर आखिरत में है मगर इस दुनिया में भी अल्लाह के कहर से महफूज नहीं रहेंगे नंबर तीन अल्लाह ताला काफिरों को मोमिनों के हाथों जलीलो रुसवा करेगा नंबर चार दुश्मन कितना ही बड़ा क्यों ना हो मोमिनों से डरता और खौफ खाता है नाजरीन कराम आज के एपिसोड में हमने जाना कि इमामत नबी की बेसत की तरह एक अज़ीम नेमत है और अल्लाह ताला इस नेमत को अता करने के बाद लोगों पर एहसान जताता है और रवायत के मुताबिक इमाम जमाना सलाम की हुकूमत में मुस्फ़ी को आलम लोगों का पेशवा बनाएगा ये था हमारा आज का एपिसोड मिलते हैं अगले एपिसोड में तब तक के लिए शुक्रिया कुरान क़ुरानी समाज की bye <tah> john <-chan>